सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवान वसीन। तो आज हम बात करेंगे कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना होगा 11th of June को या बाय करके चलना होगा। जिस तरीके से हमने देखा था कि आरबीआई की पॉलिसी आई थी और बहुत हॉकिश कमेंट्री उन्होंने दी थी, हमने देखा था कि रेपो रेट इंक्रीज होते हुए देखे, और पिछले टाइम जब आरबीआई की कमेंट्री आई थी और उन्होंने बोला था कि मॉनसून बहुत अच्छा जाएगा, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है और रेपो रेट शायद इंक्रीज ना करें, और उसकी वजह से हमने देखा था मार्केट में एक बहुत तेजी से मोमेंटम आई थी और मार्केट ऊपर की तरफ अपने हाइज बनाई जा रही थी। पर हमने जिस तरीके से देखा कि इस टाइम कमेंट्री आई कि मॉनसून अच्छा नहीं जाने वाला, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गया है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं क्रूड ऑयल की वजह से, और हमने देखा कि रेपो रेट भी इंक्रीज हो गया है। और अगर हम बात करते हैं तो WPI जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उन्होंने भी कहा था कि जो इन्होंने रेपो रेट इंक्रीज करा है वो हमारी इकोनॉमी या हमारी मार्केट के लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है। तो अब हमें क्या पोजीशंस बनानी चाहिए? बैंक निफ्टी और निफ्टी से देखकर तो लग रहा है कि वो ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें क्या पोजीशन बनानी है, चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, मैं आपको चार्ट्स में लेकर चलता हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बताता हूँ। और बहुत से व्यूअर्स ने मेरे को कमेंट करके बताया कि जो मैं आपको डेली कॉल्स देता था मार्केट में आपको अगले दिन क्या खरीद के चलना है, वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, वरना हम आपकी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो हम आपके जो परफॉर्मेंस है उसे कैसे देखें। तो जो भी आप अगर मेरी पेड सर्विस लेना चाहते हैं, मैं उससे पहले बता दूं कि मैंने अब यूट्यूब में वो करवाना बंद कर दिया है कि अगले दिन मार्केट में कौन सी कॉल्स देनी है, पर उसके लिए मैंने पेड सर्विस शुरू कर दिया। तो डेली अगर हमें बात करें, अगर आप डेली कॉल्स चाहते हैं तो 50 रुपीज़ पर कॉल है, और आप समझ सकते हैं कि मार्केट में अगर आपको मैं एक कॉल भी सही दे दूँ तो आप वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो 50 रुपये देना आपके लिए कोई आम बात नहीं है। अगर आपको इसके लिए कोई डिटेल्स चाहिए होंगी तो ये इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात है, आपको मैं परफॉर्मेंस कहाँ से शो करूँ, जो मैं डेली इंट्राडे कॉल्स अपने पेड सर्विस क्लाइंट्स को देता हूँ, तो उसकी कॉल्स मैंने इंस्टाग्राम पे, अपना जो चैनल है इंट्राडे गाइड उस पर मैं हर दिन पोस्ट करता हूँ कि मैंने आज ये कॉल्स दिया है और इसके टारगेट सेट हुए हैं या इसके पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो वो आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी एक थीम बना सकते हैं कि हाँ मुझे इनसे पेड सर्विस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या एनालिसिस हो सकती है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पर, आपने जो भी मेरे पहले व्यूअर्स होंगे जो बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि निफ्टी चार्ट में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि मैंने जो भी अपने मूविंग एवरेजेस या कुछ भी जो ट्रेंड लाइंस बनाई थी वो सब हटा दिया है, अब एक नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। और जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑप्शन, डेरिवेटिव्स सारी की ट्रेनिंग दूंगा अपने कोर्सेज के अंदर। और अगर आपको जैसे कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी होती है, इंटरेस्टिंग वैल्यू जिसे हम कहते हैं, जो प्रोफेशनल लोग ही निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि वो स्टॉक की कितनी अपसाइड है या डाउनसाइड है, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़े ब्रोकरेज फर्म्स के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर जो लोग काम करते हैं वो जान पाते हैं, वो भी आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी अपने मैं जो आपको कोर्स बताने वाला हूँ। और कैसे जो लोग हैं, जो अगर न्यूज़ चैनल्स की भी बात करते हैं उसमें वो लोग बताते हैं कि ये अनुमान रह सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट का, तो वो रिजल्ट कैसे पता लगाते हैं कि ये कंपनी का ये अनुमान है, ये कैसे वो लोग अपने माइंड में करते हैं, तो वो 5 साल आने वाले 5 साल कंपनी के कैसे रह सकते हैं, कैसे उसके रिजल्ट रह सकते हैं, वो कोई नहीं बता सकता। पर वो भी ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर काम करते हैं जैसे मॉर्गन स्टैनली, JP Morgan, सिटी बैंक, वो सभी ही निकाल पाते हैं, और उसकी ट्रेनिंग भी मैं आपको पूरे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आपको ट्रेनिंग दूंगा मैं। तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्टेड होता है तो आप मेरे से डिटेल्स के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट के लिए कोई मना नहीं है, आपको सारी डिटेल्स कॉन्टैक्ट के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं निफ्टी चार्ट के अंदर, तो आपको मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में, बेसिक के बारे में बता देता हूँ जो आपको देखकर भी काम आ जाए करे। अगर हम बात करते हैं, इसमें 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और रिफ्रेश ट्रेंड। तो अब हम बात करते हैं मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड की बात होती है कि 1 महीने से मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दिया है या 2 महीने से मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट बुलिश है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 1,000 10,000 के लेवल से ये 10,900 तक ये पहुंची थी, तो ये हम कहते हैं मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड हो गया मतलब मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अब आते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड आता है कि मेजर ट्रेंड के बीच में कौन सा ट्रेंड बना है।
तो मेजर टेंट के बीच में ये जो आपको ये कैंडल्स दिख रही है जो 10,800 के लेवल से ये 10,500 तक आई थी, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड है, ये आप देख सकते हैं। अब रिफ्रेश ट्रेंड क्या है, रिफ्रेश ट्रेंड हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेंड को। अब हमें इंट्राडे ट्रेंड ये हो गया कि इससे एक दिन पहले क्या कैंडल बनी और उस दिन जब मार्केट क्लोज हुई है तो क्या कैंडल बनी है, तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेंड। मेजर ट्रेंड इज पॉजिटिव, इंटरमीडिएट ट्रेंड इज नेगेटिव एंड रिफ्रेश ट्रेंड या इंट्राडे ट्रेंड इज पॉजिटिव। तो हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अगर हम इंट्राडे में वर्क करते हैं, तो ज़्यादातर इंट्राडे में अगर हम वर्क करते हैं एक दिन भी तो हम ज़्यादातर इंटरमीडिएट ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं और इंट्राडे ट्रेंड के प्रीवियस कुछ दिन को हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड इज नेगेटिव और यहाँ पर जो ट्रेंड शो कर रहा है ये पॉजिटिव शो कर रहा है। अब पॉजिटिव शो कर रहा है और ये नेगेटिव है, तो हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो हमें ट्रेड लेना नहीं हमें ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में हमें ट्रेड तो हर दिन लेना होता है। अब ट्रेड ढूंढे कैसे, बाय साइड में या सेल साइड में? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइंस, अगर आप ट्रेंड लाइंस ही बनाना सीख लेते हैं जो मैं आपको अपने कोर्स में बताने वाला हूँ, जो सबसे मेन पार्ट और सबसे पहला पार्ट है, तो आप ट्रेंड लाइन से अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट, अपना पर्टिकुलर स्टॉक की मोमेंटम पता लगा सकते हैं, कहाँ तक वो जा सकता है, कहाँ तक वो गिर सकता है। सिर्फ ट्रेंड लाइन से ही ज़्यादातर लोग लाखों लोग और लाखों पैसे कमा लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, मैं आपको एक तो जूम आउट करके दिखाता हूँ। अब ये पहली ट्रेंड लाइन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको शो कर रही होगी, ये यहाँ से इसने बढ़ना शुरू करा था और ये हम पहले ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमारे पास तीन नोड्स होने चाहिए। नोड्स का मतलब हो गया कि तीन पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हम ट्रेंड लाइन बना सके, मिनिमम तीन होनी चाहिए हमारे पास, दो होंगी तो ट्रेंड लाइन बनाने का कोई फायदा नहीं होता। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहली ट्रेंड लाइन का पॉइंट शो कर रहा है, यहाँ आपको दूसरी ट्रेंड लाइन का पॉइंट शो कर रहा है और ये तीसरी ट्रेंड लाइन का पॉइंट शो कर रहा है। तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जो हमारा सपोर्ट निकल के आएगा। आपको ये यहाँ पर एक दिखती होगी, तो ये आप डेली चार्ट्स में या आप जो आपको यहाँ पर एक होल्ड दिखती होगी, ये आपको लाइन बनी हुई दिख रही है बाहर, आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं डेली चार्ट्स या अगर आप हाली चार्ट्स या इंट्राडे चार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ से वहाँ पर बाइंग प्रेशर आया होगा, पर डेली चार्ट में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में उसको देखते हैं तो ये आपको ट्रेंड लाइन में शो करना पड़ेगा। तो अभी तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है इसका, तो अब हम बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से इसने एक गिरावट आनी, यहाँ से हमने देखा था बाउंस बैक आते हुए इसने शुरू करा था इस लेवल से 9,600 या 9,700 के लेवल से, यहाँ से हम एक अपर ट्रेंड बनाएंगे। तो अपर ट्रेंड जब बनाएंगे तो आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को जो इसने अपना हाई बनाया था 10,800 समथिंग का, वहीं पर जाके इसकी ट्रेंड लाइन बनी है और हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी बनाया है जिससे हम अपना हर्डल पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट करिए 10,800 से लेके 10,600 तक का, तो इसके बीच में कोई ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहां पर वो सपोर्ट ले सकता है। तो सपोर्ट की बात करें तो पीवियड पॉइंट्स हमारा एक बहुत सपोर्ट का काम करता है, यहां पर एक ये सपोर्ट ले सकता है। आप देख सकते हैं यहां पर इसने एक सपोर्ट लिया था, ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है ये वाली ट्रेंड लाइन जो आपको शो कर रही है ये कैसे बनी है, आपको इसके लिए डबल बॉटम डबल टॉप भी आपको इसमें देखना पड़ता है, जो भी आपको मैं अपनी पूरी कोर्स के अंदर समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि कल की मार्केट कैसी रह सकती है। जिस तरीके से न्यूज़ आई है हम बात कर सकते हैं कि जो 10,800 का लेवल है, जो 10,780 का लेवल है, वहाँ से मार्केट एक रिवर्स दे सकता है। तो अब रिवर्स दे सकता है, अभी मार्केट अराउंड ट्रेड करे 10,770 पे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हमें 20-25 पॉइंट ऊपर निफ्टी मिलता है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगी कि हम वहाँ से निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं और निफ्टी शॉर्ट करने के बाद जो हमारा टारगेट बनेगा वो 10,676 जो पीवियड पॉइंट का सपोर्ट है और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा बनता है 10,600 का बनता है। तो ये एक आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, तो अपर साइड में आपको शॉर्ट करने की ही सलाह दी जाएगी। अगर 10,800 के पास भी आ जाता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए शॉर्ट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो शॉर्ट बनाना शुरू करते हैं इस लेवल से। जब हमने देखा था कि जब मार्केट में आरबीआई की पॉलिसी आई थी उस दिन उसने 10,700 से गिरावट आनी शुरू हो गई थी और हमने जो अपनी बैंक हमने जो अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी वो हमने बनाई थी 10,750 या 640 के अराउंड, वहां से हमने देखा था एक रिवर्सल आते हुए शुरू हुआ था। बहुत लोगों ने अगर उसमें वहां पर पुट ली होगी तो वो लोग फंस गए होंगे। तो क्यों फंस गए होंगे, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता था कि यहां से मार्केट हमें शॉर्ट करनी है और यहाँ से शॉर्ट करने के बाद खरीदेगा कौन उसको मार्केट को, हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदते हैं इनको और हम लोग फंस जाते हैं।
तो हम अगर हमें उनकी तरह सोचना है तो वो भी हम सोच सकते हैं। जो मैं आपको ट्रेंड लाइन, जो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगेगा, वो सब आपको उस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होगा। और अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी होगी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे वो 10,800 के अराउंड मार्केट को वापस शॉर्ट करना शुरू करेंगे, और वहां से जो हमें लेवल्स मिलेंगे वो 10,600 तक के मिल सकते हैं 1 या 2 महीने के अंदर अंदर। और हम बात करें अगर वो उस लेवल को तोड़ देती है, अगर हम बात करते हैं वो 10,500 के लेवल को तोड़ देती है निफ्टी, तो वो हमारे लिए एक डबल बॉटम का काम करेगा। और वहां से पूरे साल मार्केट उस लेवल को शायद क्रॉस करने की कोशिश ना करे, और वहां से हम जो लेवल्स देखेंगे 10,000 तक के आने वाले इस साल के अंदर ही एंड में देख सकते हैं, दिसंबर के अंदर अंदर तक हम देख सकते हैं 10,000 के लेवल्स भी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग एक 10,000 के दिसंबर की एक्सपायरी का पुट भी अगर आप बाय करके चलते हैं तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आपको अपर साइड और डाउन साइड बता दी है, तो हमें लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ट जो मिल सकती है 10,780 या 10,800 के पास शॉर्ट करने की मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी चार्ट बिल्कुल सेम बना हुआ है, और वही एक लेवल है 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल, जहां से बैंक निफ्टी हमेशा गिरता है वहां, वरना कंसोलिडेट करता है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहां कंसोलिडेट कर रहा है। और जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो भी 61.8% के रिट्रेसमेंट लेवल में हुई है, जो कि 26,450 का लेवल है। तो वहां से अगर मार्केट थोड़ी उछाल दिखाती है और वहां से वो अगर 10,480 10,500 के आसपास आती है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए विद द लेवल ऑफ 26,080। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बना के रखी है। आज जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहाँ पर शॉर्ट करते हैं, वो स्ट्रैटेजी आपको इस चैनल में बताई जाएगी, और वहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम जो जैसे रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो 26,000 जब क्रॉस होगा तब सोचेंगे हाँ अब लेवल बन गया शॉर्ट करने का, पर जो लेवल हमने जो छोड़ा है 400 पॉइंट जो हमने छोड़े हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, वो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये 400 पॉइंट है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे, उसके बाद जब हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की बारी आएगी हम यहाँ से शॉर्ट करना शुरू करेंगे। पर हम जो आपको बता रहे हैं, आपको 26,500 के अराउंड आपको शॉर्ट की पोजीशंस बनानी होगी, और वहां से आपको जो टारगेट मिल सकता है 26,080 का मिल सकता है। तो ये एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जरूर काम करेगा, तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी निफ्टी को वॉच करके चल सकते हैं। दिया कि शॉर्ट करें या बाय करें तो आपको सेल ऑन राइज की अपने बनानी होगी रणनीति, क्योंकि हमने देखा आरबीआई की पॉलिसी आ गई है, तो उस तरीके से हमने देखा था कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से हमने देखा था मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऊपर साइड में शॉर्ट पोजीशंस बनानी थी, उसके बाद हमने देखा था अगले दिन मार्केट में गिरावट आई थी। तो गिरावट आने का मतलब यही था कि वहां से उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी थी, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने वहां पर बाइंग पोजीशन बनाई तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके बंद हुआ। अब बाद से वो लोग वापस कोशिश करेंगे थोड़ी ऊपर जाके मार्केट को शॉर्ट करने की, वो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो की जो मैंने आपको बताई है रिसर्च, वो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगर आपको पेड सर्विस या कोर्सेज के बारे में कोई डिटेल चाहिए, ट्रेंड लाइन आपको सीखनी है, कुछ भी डिटेल चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपकी सारी डिटेल्स, आपको सारे क्लैरिफिकेशन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल पे बहुत ही अप टू डेट चीजें आपके लिए मैं जल्द लाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ जिससे आपको कुछ फायदा हो सके, आपको नॉलेज गेन हो सके, तो वो वीडियो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी मैं आपके लिए लेकर आते रहूंगा। तो यहीं पर ही मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।